मैं सलमा खानम और आप देख रहे हैं खबर 24 न्यूज। हम दिखाएंगे आपको कई खबरें, पर सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। भवानी मंडी स्टेशन तिराहे पर आतिशबाजी कर मनाई खुशी, पाकिस्तान द्वारा विंग कमांडर को भारत भेजने पर किया खुशी का इजहार। भवानी मंडी में खड़ी ट्रेन से निकला धुआं, डायनामिट जाम होने से आई नौबत, पॉइंट मैन की सुदबुद से पाया काबू। भवानी मंडी में जिला कलेक्टर ने नवोदय विद्यालय में ली बैठक, विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्य रहे मौजूद। भरतपुर के जनरल अस्पताल में महिला की इलाज के दौरान हुई मौत, परिजनों ने किया हंगामा। भरतपुर में युवती के साथ मनचलों ने की छेड़छाड़, भाइयों के विरोध करने पर आधा दर्जन मनचलों की पिटाई। बयाना में ब्राइट लाइट पब्लिक स्कूल में छात्राओं को दी विदाई, कई सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए आयोजित। डिग में विकास सीनियर विद्यालय में धूमधाम से मनाया वार्षिक उत्सव, शिक्षक अधिकारी रहे मौजूद। शाहबाद में टीएसपी संघर्ष समिति के आह्वान पर किशनगंज शाहबाद रहा बंद। तो ये थी आज की सुर्खियां, अब डालते हैं खबरों पर विस्तृत नजर। भवानी मंडी शहर के स्टेशन तिराहे पर रुद्र सेना के कार्यकर्ताओं और ऑटो एसोसिएशन के सदस्यों ने भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन को पाकिस्तान द्वारा वापस भेजने पर आतिशबाजी कर ढोल बजाकर खुशी मनाई। इस दौरान देवेंद्र सिंह, अभिषेक गुप्ता, श्रीनाथ गुप्ता, विक्रम सिंह, अनिल कुमार, मनोज सैनी, विनोद माली, गुड्डू भाई, महेश सोलंकी आदि मौजूद थे। भवानी मंडी जिला कलेक्टर ने पचपाड़ स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय में विद्यालय प्रबंधन कमेटी की बैठक लेने के लिए पहुंचे। बैठक से पूर्व विद्यालय के निरीक्षण के दौरान कक्षा 8वीं की छात्रा ने कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग से ही पूछ लिया कि आप कलेक्टर कैसे बने। छात्रा के सवाल के जवाब में जिला कलेक्टर ने कहा, तुम्हें कलेक्टर बनने के लिए आईएएस की परीक्षा के लिए बहुत मेहनत करनी है, अभी खूब दिल लगाकर पढ़ाई करें। इस दौरान कलेक्टर ने निरीक्षण के दौरान कक्षा कक्ष मेज की व्यवस्था देखी। बाद में बैठक के दौरान विद्यालय प्राचार्य को छात्र छात्राओं के खेलने के लिए टेबल टेनिस टेबल मंगवाने के लिए कहा, जिससे विद्यार्थियों को खेलने की प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए अभ्यास करने में आसानी होगी। विद्यालय से टॉप करके देश के विभिन्न स्थानों पर उच्च पदों पर गए विद्यार्थियों को बुलवाकर सेमिनार आयोजित करने के लिए कहा, जिससे अध्ययनरत छात्र छात्राएं उनसे प्रेरित होकर अपना लक्ष्य बनाने के लिए प्रेरित होंगे। बैठक के दौरान पीटीसी सदस्य रामेश्वर रंगीला और खानपुर के हेमकुंवर ने विद्यालय के मुख्य गेट पर एक ही गार्ड के होने की शिकायत करते हुए एक और अन्य गार्ड लगाने की मांग की। मेस में रोटी बनाने के लिए रोटी की मशीन बनाने के लिए कहा गया, जिससे बच्चों को अच्छी पकी हुई रोटी मिल सकेगी। इस दौरान बैठक में उपकरण अधिकारी कमल सिंह यादव, बिरला कॉलेज प्राचार्य मुनेश चंद शर्मा, सेठ आनंदीलाल पोदार उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्राचार्य बलराम पाटीदार, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधिकारी रामसिंह जाट सहित सार्वजनिक निर्माण विभाग व शिक्षा विभाग के अधिकारी मौजूद थे। पहले ये गांव इधर से पानी आता था ना सर, ओके, तो इधर से गांव वालों का अभी गेंदे के लड़कियों को ये निकालो, ये वो देखा है आपका हैंडबॉल वाली कहाँ होती है प्रैक्टिस? ये आपके ग्राउंड है, एक ही ग्राउंड ये वाला है।
इसका भी सपना है साहब, तो मेरे को भी जो है क्या बनना बेटा आपको बड़ा सिक्स क्लास। सर आज अचानक निरीक्षण किया, क्या क्या कमियां यहाँ पाई गई और किन किन चीज़ों का निरीक्षण किया गया? आज यहाँ पे विद्यालय मैनेजमेंट कमेटी की बैठक थी, तो उस बैठक में भाग लेने के लिए कि विद्यालय में क्या क्या विकास कार्य किए जा सकते हैं उसके लिए सभी प्रतिभागियों को बुलाया गया था। तो कुछ चीज़ें जो निकल के आई हैं, जैसे यहाँ पे बिल्डिंग में रिपेयर की आवश्यकता है, तो नई दिल्ली से इसका टेंडर हो गया है 4.25 करोड़ का और अगले माह कार्य स्टार्ट होने के आसार हैं। इसी के साथ बच्चों के उनके खेलने के लिए क्या फैसिलिटीज़ हैं उनको देखते हुए विद्यालय की क्या आवश्यकताएं हैं, प्रिंसिपल की और बाकी टीचर्स की क्या मदद की जा सकती है, बच्चों को किस तरह से और मोटिवेट किया जा सकता है, उन सब बातों के ऊपर चर्चा की गई। ऐसे कुछ सख्त निर्देश तो नहीं दिए किसी चीज़ को लेकर? सख्त निर्देश तो इसमें यही है कि बच्चों को मैक्सिमम एक्सपोजर मिले, जो भी बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं, क्योंकि वो पूरे ज़िले की क्रीम है जी। सबसे जो पढ़ने में अच्छे थे लगभग 3,500-4,000 बच्चों में से 80 बच्चों का सिलेक्शन होता है, तो वो बच्चे जिनके पास यहाँ पे पहुँचे हैं जो, उनको हम फैसिलिटीज़ दे पाएँ कि वो और आगे बेहतर करें। भवानी मंडी रेलवे स्टेशन पर खड़ी जोधपुर इंदौर इंटरसिटी एक्सप्रेस के स्लीपर कोच के नीचे डायनामाइट जाम होने से धुआं निकलने लगा, जिसको अपॉइंटमेंट की सूझबूझ से समय पर बुझा दिया गया, जिससे बड़ा हादसा होते होते टल गया। स्टेशन मास्टर धर्म सिंह ने बताया कि सुबह 11:15 पर जोधपुर इंदौर इंटरसिटी एक्सप्रेस रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर खड़ी हुई थी, तभी ट्रेन के स्लीपर कोच S1 के नीचे डायनामाइट जाम हो गया, जिससे धुआं निकलने लगा, जिसे मौके पर ही पॉइंटमैन प्रदीप कुमार ने देख लिया, जिसको तुरंत प्रभाव से कोच के नीचे धुआं निकलने की सूचना स्टेशन मास्टर को दी। रेलवे कर्मचारियों ने मौके पर ही डायनामाइट पर लगे बेल्ट काटकर हटा दिया, जिससे डायनामाइट बंद होने पर धुआं निकलना बंद हो गया। बाद में ट्रेन के अगले स्टेशन के लिए रवाना कर दिया गया। अगर समय रहते पॉइंटमैन का ध्यान नहीं जाता तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। मुझे तुरंत स्टेशन मास्टर सूचना दी, इसकी सूचना देने के बाद मैंने गाड़ी अटेंड करी, तो प्रॉब्लम थी उसको भी सही करा। क्या प्रॉब्लम आई थी इसमें गाड़ी में? इसके जो बेल्ट थे, जो नीचे डायनामाइट का जो वो था, वो ज़्यादा गर्म हो गया था और जरूरत से ज़्यादा उसमें धुआं निकला, तो निकाल दिया उसको। हाँ बिल्कुल, चेंज कर दिया, चेंज बेल्ट काट के गाड़ी चलती। शाहबाद विधानसभा क्षेत्र को TSP संघर्ष समिति की ओर से लंबे समय से क्षेत्र की TSP श्रेणी में शामिल करवाने की मांग की जा रही है। समिति ने जागरूकता अभियान धरना प्रदर्शन अनशन किया था, इसे देखते हुए क्षेत्रीय विधायक एवं प्रभारी मंत्री रमेश मीणा ने विधानसभा में मांग को रखवा कर क्षेत्र को TSP का दर्जा दिलाने का आश्वासन दिया था, लेकिन दोनों विधानसभा चुनाव में मांग को नहीं उठाया, जिस कारण TSP संघर्ष समिति ने निर्णय लिया कि शुक्रवार किशनगंज शाहबाद के सभी कस्बों को बंद रखकर लोकसभा चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा, जिससे सभी कस्बों को शांतिपूर्ण बंद रखा जाएगा। भरतपुर में राजकीय जनाना अस्पताल में एक महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई, जिस पर जनाना अस्पताल में हंगामा हो गया। जानकारी के अनुसार मांगरेन निवासी गर्भवती महिला देवेंद्री को उसके परिजनों ने डिलीवरी के लिए जनाना अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां उसकी ऑपरेशन के बाद बच्ची पैदा हुई। महिला बुधवार को तो सही रही, लेकिन गुरुवार को उसकी तबीयत बिगड़ गई, जिस पर महिला को चिकित्सक को दिखाया गया। चिकित्सक के द्वारा इलाज देने के बावजूद महिला की मौत हो गई, जिस पर अस्पताल में हंगामा हो गया। मौके पर पहुंचे मथुरा गेट थाना के SI महावीर प्रसाद ने बताया कि हंगामे की सूचना पर पुलिस मौके पर आई और परिजनों को समझाइश कर शांत कराया। यदि मृतका के परिजन पुलिस में शिकायत देंगे तो पुलिस इस मामले की जांच करेगी।
भरतपुर कस्बे के बापू बाजार से आधार कार्ड बनवाकर भाइयों के साथ वापस लौट रही बहन के साथ कुछ मंचर युवकों ने छेड़खानी की, जिसे लेकर लड़की के भाइयों के विरोध करने पर करीब आधा दर्जन मंचर लड़कों ने भाइयों के साथ ही बेल्ट और डंडों से जमकर मारपीट कर लहूलुहान कर दिया। लड़की के भाइयों ने बताया कि गुरुवार शाम को कस्बे के बापू बाजार से आधार कार्ड बनवाकर साथ घर लौट रही बहन के साथ कस्बे के बाईपास रोड पर कुछ मंचले लड़कों ने छेड़खानी की, जिसका लड़की के भाई जल्ला पुत्र रजाक अनिस पुत्र दौलत ने विरोध किया। विरोध करने पर मंचले लड़कों ने लड़की के भाइयों के साथ लाठी डंडों से मारपीट कर घायल कर लहूलुहान कर दिया। झगड़ा होते ही मोहल्ले के लोगों इकट्ठा हो गए। लोगों को इकट्ठा होते देख मंचले लड़के मौके से फरार हो गए। घायलों को लोगों की मदद से कस्बे के सरकारी अस्पताल लाया गया। बयाना के ब्राइट लैंड पब्लिक स्कूल में सातवीं कक्षा के छात्र छात्राओं द्वारा कक्षा आठवीं के बच्चों को विदाई दी गई। इस अवसर पर बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि स्कूल शिक्षा परिवार के महावीर सिंह रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता ममता मौर्य द्वारा की गई। स्कूल संचालक नीरज सारस्वत ने बच्चों में नैतिक गुण उत्पन्न करने सहित बच्चों के शिक्षा प्राप्त करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर योगेश सारस्वत, विशाल गुप्ता, चंचल सैनी, धीरेन्द्र, सोनिया, राकेश, प्रियांशी, सोनम, शिवानी, मयंक मोर आदि उपस्थित रहे। डिग स्थित विकास सिन्हा विद्यालय में वार्षिक उत्सव धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी तारा सिंह सिंसिनिवार ने मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्य अतिथि ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी तारा सिंह सिंसिनिवार का स्वागत सम्मान राकेश व्यास द्वारा स्मृति चिन्ह देकर किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि तारा सिंह सिंसिनिवार ने कहा कि बच्चे अपना लक्ष्य बनाकर शिक्षा प्राप्त करें, शिक्षा से ही विकास संभव है। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक रंगारंग प्रस्तुतियां दी गई। कार्यक्रम में विद्यालय की विभिन्न छात्राओं को मुख्य अतिथि द्वारा पुरस्कार प्रदान किए गए। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। फिर होंगे हाजिर कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहे खबर 24 न्यूज़। नमस्कार।